बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, दुष्यंत चौटाला को एक और बड़ा झटका, जहां कल बीजेपी के जेजेपी के जिला प्रधान ने इस्तीफा दिया था और आज आप देख सकते हैं आईटी सेल की जो पूरी टीम है उसमें से काफी टीम के सदस्य, जिसमें अगर बात की जाए आईटी सेल के जिला प्रधान बहादुर मेला समेत ब्लॉक प्रधान भी यहां पर इस्तीफा देने पहुंचे। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला और की जेजेपी पार्टी को बड़ा झटका। इस समय जिला प्रधान आईटी सेल के बहादुर मेला, ब्लॉक प्रधान गरोंडा और उनके साथ के कई युवा प्रधान यहां पर पहुंचे हुए हैं। बहादुर मेला से हम जानना चाहेंगे, बहादुर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कल जिला प्रधान ने इस्तीफा दिया, आज आईटी सेल में आप के कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, हम बड़े दुखी मन से आज पद छोड़ने की हमने सोची है, क्योंकि हमारा जन्म किसान के घर में हुआ है और किसान निरंतर पिछले 2.5 से 3 महीने से जो 3 कृषि काले कानून केंद्रीय सरकार ने बनाए हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी जो जननायक जनता पार्टी है वो भागीदार बनी हुई है सत्ता की बीजेपी के साथ। तो हमारा आग्रह था सरकार से, हमारी जननायक जनता पार्टी आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से, भाई हमारे को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये उद्योगपतियों की पार्टी है, किसान और कमेरे वर्ग का इसमें कोई हित नहीं है। हम पिछले 1999 में बड़े भाई मेरे नरेंद्र सांगवान जी के साथ जिला के महासचिव बने थे, संजय मेहला जी, उनके बाद फिर 2000 से लगातार हम इस परिवार से जुड़े हैं। उसके बाद फिर मेरे को इन्होंने आईटी सेल का जिला अध्यक्ष बनाया, हमने निरंतर दिन रात पार्टी की सेवा करी है, लेकिन हम विचारधारा से जुड़े हुए थे चौधरी देवीलाल की, स्वर्गीय जननायक किसान मसीहा, जिन्होंने अनेकों कार्य किसानों के लिए करे, चाहे ट्रैक्टर से टोकन हटवाने की बात है, पहले 10,000 का कर्ज मुक्ति हरियाणा में, हरियाणा बनवाने में उनका अहम योगदान था, 10,000 तक के कर्ज उन्होंने माफ़ करवाए, रेडियो पे जो साइकिल पे जो टोकन होता था वो उन्होंने हटवाया, बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये से चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी, गांव-गांव में हरिजन चौपाल उनकी देन है और वृद्धाश्रम उनकी देन है, उनकी नीतियों से हम प्रभावित होकर इस परिवार के साथ थे। फिर आदरणीय चौटाला साहब की सरकार में भी मैं जिला महासचिव रहा, उसके बाद हम लगातार जब जेजेपी बनी तो हमने अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला जी के साथ जाने का निर्णय लिया। मारे को दुष्यंत चौटाला में युवा देवीलाल के रूप में नज़र आता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया वहीं हमारी भावनाएँ आहत हो चुकी थी, हमारा बिल्कुल भी निर्णय नहीं था भाई हम बीजेपी के साथ जाएँ, क्योंकि उद्योगपतियों की संघियों की कच्चाधारियों की पार्टी है और जेजेपी का जो बेस है वो किसान है, गांव-गांव से जुड़ी हुई पार्टी है जेजेपी, बड़े बड़े जमींदार, छोटे जमींदार, गरीब मजदूर सब किसान देवीलाल से जुड़े हुए थे। हमने सोचा ये पढ़ लिख के बाहर से पढ़ लिख के आया है और किसान का खून है तो ये ज़्यादा अच्छे कार्य करेगा, लेकिन ये एमपी बनने तक तो ठीक था, जैसे ही बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ ये उन्हीं की नीतियों पर चलने लग गया, तो उसी दिन से मन दुखी था काफी समय से, लेकिन तो आज क्या लगता है अब अगर सारे ही नेता और कार्यकर्ता इस्तीफा देने लग जाएंगे तो पार्टी में कौन रहेगा, क्योंकि कल जिला प्रधान ने भी इस्तीफा दिया है और अब आईटी सेल की टीम जो है इस्तीफा देती हुई नजर आ रही है, कौन कौन आपके साथ है इस्तीफा देने में? यही चाहते हैं हम, ताकि सरकार पार्टी पर दबाव आए और पार्टी बीजेपी से समर्थन वापस ले और हरियाणा में सरकार गिरे और सेंटर की सरकार पे दबाव आए, तभी हमारे काले कानून वापस होंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, दबाव क्या है कि वापस नहीं होना चाहते, सरकार से समर्थन नहीं वापस लेना चाहते? लग नहीं रहा ना, अगर लगता तो फिर हम पार्टी ना छोड़ते। क्या लग रहा है आपको? बस वो सरकार का हिस्सा बन के वो कह रहे हैं मैं सरकार में ही सेवा करूंगा, लाई चाटना चाहते हैं आपको लग रहा है? वो आपकी देखो हमारे आदरणीय है, मैं आप शब्दों का कोई प्रयोग नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है, हमारी सोच थी ताऊ देवीलाल की पार्टी है, उनका पड़पोता है दुष्यंत चौटाला, पढ़ लिख के बाहर से आया है, किसानों का भला करेगा, लेकिन बीजेपी के साथ जब तक गठबंधन में रहेगा किसानों का भला नहीं कर सकता। क्या इनेलो में जाएंगे, क्योंकि इनेलो में तो अभी नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सिर्फ मैं पिछले 2.5 महीने से लगातार किसान आंदोलन से जुड़ा हूं, लगातार सिंगू बॉर्डर टीकरी बॉर्डर पर लगातार सेवा कर रहे हैं, यहाँ गरोंडा टोल टैक्स पे हम सेवा कर रहे हैं, टोल फ्री भी हमने कराए हैं, अब कुछ शरारती तत्वों ने लेक पे लंगर उठवा दिया था उसमें भी हमने हमारे जो गवंडी सलारू दर्ड कुराली रंबा चूरणी के लोगों के साथ हमने मिलकर वहाँ लंगर सुचारू रूप से व्यवस्था शुरू कराई है, हमारा कहीं भी कोई राजनीति करने का भी मन नहीं है, वो भविष्य की बात। बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को जो है एक बड़ा झटका लगा है और आईटी सेल के प्रधान, आईटी सेल जिला प्रधान
बहादुर महिला ने अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस समय करनाल से, जहाँ पर कल पार्टी के जिला प्रधान, गौरतलब है कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की पार्टी है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की पार्टी है, और करनाल से जो विधायक है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, वहीं अगर बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला को झटके के झटके लगते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इस्तीफे का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। बात की जाए अगर आप कहीं भी शादी पर जाते हैं, खाना शुरू हो जाता है तो प्लेट उठाने का इंतजार किया जाता है कि पहले प्लेट कौन उठाएगा, और जैसे ही पहले प्लेट उठाई जाती है तो सभी जो है प्लेट उठाने शुरू कर देते हैं कि खाना शुरू हो चुका है। इसी तरह का जो तरीका है वो कल यहां पर करनाल से शुरू हुआ है। पहले जिला प्रधान, जेजेपी के जो जिला प्रधान थे इंद्रजीत सिंह गोराया, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद जो है आईटी सेल के जो हल्का प्रधान है, उन्होंने जो समझ आऊंगा कि जो जिला प्रधान आईटी सेल के, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। और इस समय बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से झंडी उतार कर जो है किसानी का झंडा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। घरौंडा के हल्का प्रधान, ब्लॉक प्रधान हमारे साथ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे संधू साहब, आप घरौंडा के आईटी सेल के ब्लॉक प्रधान है, आप भी इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ जी, मैं भी इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरे लड़के का आज जन्मदिन है, मेरे लड़के ने कहा कि पापा अगर मेरे को कोई गिफ्ट करना है तो ये जो सत्ताधारी पार्टी है जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, आपको इस दुष्टचारी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा, यही मेरा जन्मदिन का गिफ्ट होगा। तो इस करके हम कृषि के अपने आंदोलन को देखते हुए और मेरे बेटे को जो गिफ्ट मैंने देना है उस करके मैं आज जेजेपी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। आप देख सकते हैं घरौंडा के ब्लॉक प्रधान है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बहादुर महिला, आप जिला प्रधान है आईटी सेल के, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन कौन लोग आपके साथ इस्तीफा दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम आहत हो चुके थे, किसानों का दर्द देखा नहीं गया, हमारे 200 से ज़्यादा किसान व आंदोलनों में शहीद हो चुके हैं और सरकार के कान पे जू नहीं रिंग रही। उल्टा बजट में कृषि को कम कर दिया इन्होंने, कृषि बजट का। यह किसान विरोधी सरकार है, ये इस समय देश में किसान विरोधी ताकतों का राज है। 4 गुजराती लोग हैं, 2 तो सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी चाहते हैं, मोदी और शाह, और अडानी अंबानी इस देश की धन संपत्ति पर कब्जा चाहते हैं, तो हम इनके साथ कभी नहीं रह सकते। जेजेपी, अगर हमने 2 महीने वेट करी, अगर जेजेपी अपना स्टैंड लेके किसानों के साथ आ जाती तो आज हमारे को पार्टी छोड़ने पे मजबूर नहीं। बड़े दुखी मन से 20 साल से हम पार्टी के लिए, हमारे बाप दादाओं ने देवीलाल को वोट किया, फिर हमारे बड़े भाई ने चौटाला साहब का साथ दिया, अब हम दुष्यंत के साथ थे, लेकिन आज बड़ा दुखी मन है। सारे हमारा भाईचारा जो गांव बलडी आसपास के लोगों ने, सब ने कहा अभी अब इस पार्टी में रहने का धर्म नहीं है, तो बड़े दुखी मन से आज इस्तीफा दे रहे हैं। तो दुखी मन से इस्तीफा दे रहे हैं, और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। आईटी सेल के महासचिव हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों जो है इस्तीफा दिया और क्या कहना चाहेंगे? हमने ताऊ देवीलाल की पार्टी को देख के ज्वाइनिंग की थी और हमने 2 साल कम से कम मेहनत की है, पैदल यात्रा भी निकाल ली हमने गाँव घरौंडा से और पांडु पिंडारा तक, तो हम किसानों के साथ हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने इस्तीफा दे रहे हैं पूरी टीम के साथ। तो बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं करनाल में, जहां पर तमाम आईटी सेल, जेजेपी की आईटी सेल यानी कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, उनके तमाम लीडर्स हैं जो एक एक करके इस्तीफा देना शुरू हो चुके हैं। कल जिला प्रधान ने इस्तीफा दिया, इंद्रजीत सिंह गोराया जो जिला प्रधान है जेजेपी पार्टी के, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है, और आज आप देख सकते हैं कि आईटी सेल की भी जो टीम है वो इस्तीफा देना शुरू कर चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं परेशानी और जो एक जो जन समर्थन सा जो पार्टी को मिल रहा था या जो उनकी खुद की जो टीम है वो इस्तीफा देना शुरू हो चुकी है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है जो जिला प्रधान है बहादुर महिला, उनका कहना यह भी है कि उन्होंने जो है अपने घर का काफी कुछ बेचकर जो है पार्टी के लिए काफी कुछ लगाया। बहादुर, कुछ इस तरह की भी जानकारी आ रही है, आप जिला प्रधान है, कि आपने पिछले दिनों कुछ पार्टी के सब कार्यक्रम हुए, आपने अपने जो जमीन है, मतलब जमीन आपके साथ रही, आप मतलब किस तरह से जो है पालन पोषण करते थे परिवार का, पार्टी पे आपने पूरा पैसा लगा देते थे, तो आगे क्या करेंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने बड़ी निष्ठा से पार्टी की सेवा करी थी और बहुत लंबे समय से करते आ रहे थे, और पिछले विधानसभा चुनाव में काफी यहाँ पर तेज बहादुर यादव ने इलेक्शन लड़ा, उसकी पूरी जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी, हमने तन मन और धन से पार्टी की सेवा करी है। सिर्फ ताऊ देवीलाल को देखते हुए भी ये लड़का ताऊ देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएगा, भाई दुष्यंत चौटाला, लेकिन इन्होंने जैसे ही बीजेपी के साथ समझौता किया उसी दिन से हमारा मन टूट चुका था। चलो, खर्चा तो होता ही है पार्टियों में, कोई बात नहीं, हम सहन कर लेंगे, जमींदार हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो किसानों के
हितों के लिए आवाज़, ये इन्होंने नहीं, मतलब किसानों का कोई भला नहीं कर पाए हैं, तो उससे हमारा मन, हमारा किसान के परिवार में हमारा जन्म हो रहा, किसान के घर में, तो किसान के घर में जन्म होने के कारण ही हमारी आत्मा अंदर से आवाज़ थी आत्मा की, भाई अब इस पार्टी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये उद्योगपतियों का साथ दे रहे थे, क्योंकि संघी लोग जो हैं वो कभी भी किसान हितैषी नहीं हो सकते। इस समय देश पर किसान विरोधी ताकतों का राज है और किसानों को मारा जा रहा है, और ये बीजेपी जो है किसानों के विरोध में कार्य कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपति कॉरपोरेट घरानों को बढ़ावा दे रही है, और दुष्यंत चौटाला जी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी आत्मा ने, अंदर की आवाज़ थी, सभी भाई, जो भाईचारा है हमारा, सब ने कहा अभी अब इस पार्टी में रहना ठीक नहीं है। तो पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि अगर किसान आंदोलन और कृषि कानून जल्दी वापस नहीं होते हैं तो वह अभी अपना इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई बयान सामने नहीं आया। उसके बाद वो साइलेंट हो गए, पता नहीं किस कारण से वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। अगर इस समय इस्तीफा दे के किसानों के पब्लिक के बीच में आ जाते तो भवि आने वाले चुनाव में वो खुल करके मुख्यमंत्री बनते, बहुमत से वो चुनाव जीतते, लेकिन वो पता नहीं किस तरह, किन लोगों के साथ हैं, किस कारण से हैं, वो तो चलो उनके, उनकी समझ है, लेकिन इस समय काफ़ी वर्कर मायूस हैं, निराश हैं, और भविष्य में और भी लोग छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस्तीफा देने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, और एक एक करके किस तरह से जो लीडर्स हैं वो इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। एक किस्म की झड़ी सी जो है लग चुकी है जेजेपी पार्टी, जो बीजेपी सरकार जिस तरह से गठबंधन की सरकार है जेजेपी के साथ, लेकिन करनाल अपने आप में जहां पर खुद प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, करनाल से विधायक हैं, बीजेपी से एमएलए चुने गए थे, और वहां से जो है जेजेपी पार्टी के जिला प्रधान इंद्रजीत सिंह गोराया ने कल इस्तीफा दिया, और आज आईटी सेल जो है वो इस्तीफा देती हुई नजर आ रही है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर इस समय करनाल के आप देख सकते हैं, जहां पर गाड़ी है, तमाम कार्यकर्ता है, लेकिन इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज।